अव्ययी भाव यह हम पहला सूत्र देख रहे हैं यह अधिकार सूत्र है और साथ ही संज्ञा भी अव्ययी भाव संज्ञा भी करता है और इत ऊर्धम अस्य अधिकारो वर्तते ऐसा हम देख सकते हैं दूसरा जो अव्ययी भावस्य यह सूत्र देख रहे हैं यह अव्ययी है भावस्य अव्यय संज्ञा का विधान करता है अर्थात अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक होता है ये मुख्य बातें हैं जो हमें जान लेना चाहिए और अव्ययी भाव से यह जो तीसरा सूत्र देख रहे हैं यह नपुंसक लिंग का विधान करता है कि अर्थात जो होंगे और अब्य भाव समास जहां पे विधान किया गया होगा वो नपुंसक लिंग में होते हैं ये तीन नियम है अर्थात भाव समास नपुंसक लिंग होता है और अव्ययी भाव समास से युक्त जो पद होगा वो अव्यय संजक हो जाएगा और अव्ययी भाव समास वही होगा जो अव्ययी भाव इसके अधिकार में आया होगा ठीक है आगे हम इसके बारे में देखते हैं कि अव्ययी भाव समास के साथ साथ जो अन्य समास हैं उन्हें हम एक दृष्टि देख रहे हैं कि ये इसके प्रमुख भेद हैं सिद्धांत कौमदी ने चार समास कौंड ने चार समास प्रायोवाद तथा पर ऐसा करके समासस्तु चतुर्धेति प्रायो वा वाद तथा पर ऐसा सिद्धांत बताया है लेकिन परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षाओं में अलग तरह से व्यवहार होता है वो उसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि प्रतियोगी परीक्षा में आ, कौन सी पुस्तक प्रयोग की जा रही है लेकिन सामान्यतः हम ये समझते हैं कि ये छह समास के भेद होते हैं चूंकि कर्मधारय और द्विगु दोनों तत्पुरुष के भेद हैं इसलिए कुछ लोग इनको अलग से नहीं करते हैं लेकिन आ, अधिकतर इनको अलग रखा जाता है और ये छह भेद देखते हैं व्युत्पत्ति देखिए समास की तो सम पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय समसनम समास है, जिसका अर्थ संक्षेपीकरण होता है जिस प्रक्रिया के द्वारा शब्दों को संक्षेप किया जा सके संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जा सके वह समास कहा जाता है है इसमें प्रथम जो है, हम आज इसी को देखेंगे अव्ययी भाव समास होता तो कर, बहुत अर्थों में है लेकिन इसके कुछ उदाहरण हम पहले देख लेते हैं उसके बाद फिर अन्य की चर्चा करेंगे इसकी विशेषता जो है समास होने के बाद अब्य बन जाता है जो पीछे हमने सूत्र देखा था उसके आधार पे और दूसरा नियम है कि नपुंसक लिंग हो जाता है ये इसकी पहचान है आप यहाँ उदाहरण में देख रहे होंगे सभी नपुंसक लिंग है और सबके सब, सब अव्यय हो जाते हैं इसलिए इनका फिर रूप नहीं चलता तो आत्मनि अधि यह लौकिक विग्रह होगा और अध्यात्मम गंगाया समीपम उप नद्या समीपम उपनदम अब उपगंगम उपकृष्णम उपविद्यालय उपगृहम सब कुछ बना सकते हैं उपमंदिर इसी प्रकार उपनदम यथाशक्ति शक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य शक्ति का अतिक्रमण ना करते हुए यथाशक्ति यथा भक्ति यथा मति यथा कृति यथा गति यथा बुद्धि बहुत सारे प्रयोग हम इस तरह बना सकते हैं विघ्नाव निर्विघ्न निर्मशकम निर्मक्षिकम ऐसे ही रूप से योग्यम अनुरूपम प्रत्येकम गृह गृहम इति प्रतिगृह ये उदाहरण हमने एक आ, मार्गदर्शन के लिए रखे गए हैं एक दिशा देते हैं लेकिन इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देख सकते हैं शाकल्यन हम इसके अगर भेद देखें तो अब भी भावसमास तीन प्रकार का होता है पहला तो वो होता है जिसमें पूर्वपद अव्यय होता है उप पद नाम होता है जैसे उपकृष्णम अतिम इनमें देखिए अति उप यथा ये सब उपसर्ग प्रयोग है इस दूसरा है अक्ष नाम पूर्व पद पूर्व में नाम होगा प्रातपदिक होगा बाद में अव्यय होंगे जैसे परि ये सब अक्ष कृष्ण शब्द ये आ रहे हैं और दोनों पद जो होंगे वो अव्यय होंगे संप्रति तो सम उपसर्ग है प्रति भी उपसर्ग है ऐसे इसका जो सिंहावलोकन है हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि सामान्य समास और विशेष करके दो भेद है यह अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धिर्था भावा त्य सम्प्र शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा नुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचने सु इन सोलह अर्थों में यह एक सूत्र ही है जो विधान कर रहा है और अन्य जो अर्थ हम यहाँ देख रहे हैं उसके लिए अलग सूत्र हैं जो हम आगे देखेंगे